ओके पारो, सब ठीक हो जाएगा बेटू, शांत। थोड़ा सा परेशान है, इसको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं डिलीवरी के लिए, परेशान है थोड़ा सा। ये ना ऐसे राउंड राउंड घूम रही है, इसको क्रैम्पिंग या कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ना। होपफुली इसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, एक बेबी हो, दो हो, तीन हो या चार हो, बस ये ठीक ठाक रहे, क्योंकि काफ़ी परेशान है। और 20 मिनट्स हो गए हैं इसको ना। ये है ना बार बार लीक कर रही है, क्लीन कर रही है क्योंकि डिलीवरी के पर्पस से। अगर आपकी कैट बेबी डिलीवर करने वाली है तो, और टाइम लग रहा है डिलीवरी में, तो प्लीज़ आप उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ फूड देते रहिए, क्रीमी ट्रीट दे सकते हैं आप, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। ये है ना बीच बीच में थक जा रही है, थक जाती है तो फिर ये थोड़ा सा शांत हो जाती है और टाइम लेती है थोड़ा सा। और जब भी कभी आपकी कैट की डिलीवरी होने वाली है तो आप कभी भी उसको अकेला मत छोड़िए, उसको कडल करते रहिए, उसको पैम्पर करते रहिए ताकि उसके अंदर एनर्जी आए। और साथ ही साथ आप है ना उसको बीच बीच में थोड़ा बहुत खाने के लिए देते रहिए, विस्कस भी दे सकते हैं, क्रीमी ट्रीट भी दे सकते हैं, इससे उसको एनर्जी मिलेगी। और आप उसके पास रहेंगे, पैम्पर करते रहेंगे ना, तो उसका डिलीवरी बहुत इजीली हो जाएगी, वो डिप्रेस भी नहीं होगी। और जैसे ही इसको कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं ना, तो ये एकदम खाना छोड़ देती है, थोड़ा सा वेट करती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं खाना देती रहूँ। लग रहा है बेबी होने वाला है क्योंकि खाना खाना बंद कर दिया है और बस लग रहा है डिलीवरी इसकी होने ही वाली है। और जैसे ही डिलीवरी होने वाली होती है ना, तो पेट बहुत तेज़ से हिलने लगता है कैट का, और एकदम ऐसे स्टमक है ना वाइब्रेशन सा करने लगता है। मैं इसको है ना थोड़ा सा रेस्ट दे रही हूँ, थोड़ा सा ये ब्रेक ले ले, और क्योंकि काफ़ी थक गई है और बस डिलीवर करने ही वाली है इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। पारो बीबी, ममक बीबी, देखिए इसका ना स्टमक कैसे हिल रहा है, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा डिलीवरी। और है ना हमारी पारो ने एक डेड बेबी को डिलीवर किया है, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की यही मर्जी थी, क्या कर सकते हैं, काफ़ी देर वेट किया है। उसके बाद ये इसको तकरीबन 2 घंटे वेट करने के बाद मैंने हटा दिया इसको पारो के पास से। और है ना बच्चे के जाने के बाद ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा मुझे छोड़ ही नहीं रही है। मैं इसको कडल करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत इसको पैम्पर कर रही हूँ ताकि इसको एहसास नहीं हो, और ये हाथ पकड़ लेती है मेरा जब भी मैं जाने लगती हूँ। और माँ चाहे जानवर की हो या इंसान की हो, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। ये इतनी सैड है ना कि ये सोचे जा रही है, जगह जगह अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही थी, फिर मैंने इसको अपने पास रखा, 1 से 2 घंटे इसके पास मैं लगी रही। ये पूरे देखो कैसे लूट लगा रही है, एकदम मेरे, मैं जाती हूँ ना तो मेरे हाथ पकड़ लेती है, मुझे जाने नहीं देती, कट बाइट करती है, देखो कैसे कर रही है। देखो मुझे काट रही है।